हेलो एवरीवन, यह है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं स्टैट प्रो ट्यूटोरियल सीरीज। रात के 10:30 बजे हुए हैं और मेरा वीडियो बनाने का कोई मन नहीं था, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स देख के मैं इतना मोटिवेट होता हूँ कि वीडियो बनाने पे मजबूर हो गया। ये देखिए, एक कमेंट किया हुआ है भरत चेदर ने, स्टैट प्रो वीडियो अपलोड कीजिए। तो इनके लिए मैं स्टैट प्रो की वीडियो बना रहा हूँ अभी। और एक ये है टेक एके सर, स्टैट प्रो सीरीज की भी वीडियो अपलोड कीजिए। थैंक यू टेक एके एंड भरत चैदर। और एक और कमेंट आया है अमित गवाडे, शेयरिंग नॉलेज विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन में गुड ब्लेस यू सर, आउट देयर क्लास चार्जिंग थाउजेंड्स ऑफ। थैंक यू अमित गवाडे, आप लोग कमेंट देख के मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ और मैं इसलिए आज एक और स्टैट प्रो की वीडियो डाल रहा हूँ। थैंक यू टू ऑल। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मिरर टूल की स्टैट प्रो में, तो आज हम बात करते हैं रोटेट, इंसर्ट नोड और ये कुछ टूल से इनकी बात करते हैं, छोटे छोटे टूल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं। स्पेस मींस 3D स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लिया है। डे 6 है आपका ये, एंड यूनिट मीटर किलोमीटर। नेक्स्ट एड बीम हमने सेलेक्ट कर लिया है। ये कर्सर्स हैं, एड बीम मींस मेरा कर्सर बीम बनाने के लिए रेडी होगा ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोटेट टूल की। तो हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 3D स्ट्रक्चर। देखिए, मैंने 0 पे क्लिक किया, 10 पे क्लिक किया, मेरा एक बीम बन गया। यहाँ से मैंने ग्रिड को क्लोज किया। इस बीम को सिलेक्ट करके ट्रांसलेट टूल से जेड डायरेक्शन में एक स्टेप 5 मीटर लिंक किया, ओके कर दिया। फिर इन चारों बीम को सिलेक्ट किया ट्रांसलेट टूल से दोबारा वाई डायरेक्शन में लिंक करके ओके कर दिया। एक 3D बॉक्स आ गया है हमारा। अब इसको हमें रोटेट करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और देखिए रोटेट टूल है ये आपका, इस पर क्लिक किया। अब इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले कितने एंगल पर रोटेट करना है, मान लीजिए मेरे को 30 डिग्री पर करना है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो दो आपके येलो कलर के कर्सर हैं, ये पूछ रहे हैं कि वो लाइन, उस लाइन के दोनों नोड सेलेक्ट कीजिए जिस लाइन के अबाव रोटेट करना है। मान लीजिए ये मेरा स्ट्रक्चर है और मैं चाहता हूं ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसके अबाउट रोटेट हो, यानी कि ये लाइन तो फिक्स हो जाएगी हमारी, ये वाली लाइन, इसके अबाउट हमारा ये पूरा मॉडल रोटेट होगा। तो मेरे को इसका ये नोड सेलेक्ट कर लूंगा मैं और ये नोड सेलेक्ट कर लूंगा। तो देखिए मैंने क्या किया, एक नोड ये सेलेक्ट किया और एक नोड ये सेलेक्ट किया, ठीक है। इसका टॉप व्यू देखते हैं जो सही समझ में आएगा। हमने ये वाला देखिए, टॉप व्यू हमने सेलेक्ट किया, ये दोनों नोड सेलेक्ट किए थे हमने, ठीक है। और अब मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे आ रहा है कॉपी और मूव, तो मूव रहने देते हैं, ओके कर। ये मैसेज है, ये देखिए रोटेट हो गया। 3D में देखते हैं, ये रोटेट हो चुका है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये लाइन देखिए, ये वाली लाइन फिक्स है हमारी, ये वाली लाइन, और इसके अबाउट हमारा स्ट्रक्चर रोटेट हो चुका है। तो देखेंगे अगर आप ऐसे, ये एरो कर्सर से मूव करा रहा हूं मैं, इस लाइन के ये फिक्स थी और ये रोटेट हो गया। टॉप व्यू से ही हम देख पाएंगे कितना रोटेट हुआ, 30%। कंट्रोल जेड से अंडो करता हूं तो ऐसे था, ठीक है। तो ये था हमारा रोटेट टूल। नेक्स्ट है हमारा टूल इंसर्ट नोड, बहुत ही काम का नोड है, बहुत काम आता है नोड ये टूल्स। इंसर्ट नोट, ये ब्लैक डॉट, इनको नोट बोलते हैं जॉइंट्स। तो इंसर्ट नोट का मतलब जॉइंट इंसर्ट करना, एक बीम को दो में कन्वर्ट करना। जैसे ये बीम है, इसको मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक, इंसर्ट नोट। देखिए जब बीम पे हम माउस ले आते हैं तो कुछ कलर्स दिखाई रहे हैं। ब्लू कलर का मतलब है एंड पॉइंट है बीम का, और ग्रीन मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट बीम का, और जो रेड है वो मिडिल पॉइंट है बीम का। तो जैसे ही मैंने इस पर राइट क्लिक किया, इंसर्ट नोट किया, तो ये विंडो आ गई। इस विंडो में देखिए सबसे पहले पूछा डिस्टेंस कि हमें किस डिस्टेंस पे एक जॉइंट लगाना है, और डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेगा वो, यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे 1 मीटर डालता हूँ
यहाँ पे, तो ये क्या करेगा हमारा, यहां से 1 मीटर पे एक जॉइंट लगा देगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं, ओके करते हैं। ओके करने से पहले आपको इस बटन पे क्लिक किया होगा, मतलब कि यहाँ पे जो हमने 1 मीटर दिया है उसको ऐड करना है। ये ऐड हो गया 1 मीटर, देखिए इमेज में भी आ गया, और ओके किया तो ये जॉइंट बन गया। ठीक है, अब दोबारा इसका अब ये बच्चा है अलग हो चुका है, इसको ऐड करते हैं इनसे। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है प्रोपोर्शन, कितने प्रोपोर्शन पे लगाना है, 0.5 का मतलब हाफ पे लग जाएगा। देखिए 4.5 खुद ही ऑटोमेटिकली ऐड एंड पॉइंट, ये हाफ पे लगा, इसको सिलेक्ट करते इंसर्ट कर। इसके बाद आ रहे ऐड मिड पॉइंट, इस पर डायरेक्टली क्लिक कर दोगे तो मिड पॉइंट को ऑटोमेटिक लगा देगा। ये देखिए इस बीम को लेते हैं इंसर्ट नोट। उसके बाद आ रहे कितने नंबर ऑफ ज्वाइंट लगाए, मान लियो मैंने लगा दिया 5, तो 5 ज्वाइंट इंसर्ट हो जाएंगे इस बीम में इक्वल डिस्टेंस पे। ये देखिए इमेज में देख सकते हैं। तो ये था आपका सिंगल, अगर हम सिंगल नोड लाइन बीम को सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन आता है, लेकिन अगर हम दो बीम को सिलेक्ट कर लें और राइट क्लिक करके इंसर्ट करें तो सेम वही ऑप्शन आते हैं, थोड़ी विंडो छोटी हो जाती है। देखिए किस डिस्टेंस पे लगाना है, दोनों पे 1 1 मीटर पे लग जाएगा, और कितने प्रोपोर्शन पे, कितने एड मिड पॉइंट, दोनों पे मिड पॉइंट, और कितने एंड पॉइंट, 2 डाल दिए एंड पॉइंट हमने, तो दोनों बीम में 2 2 इंसर्ट आ जाएंगे। तो ये था हमारा इंसर्ट नोड एंड रोटेट टूल। एक एड बीम और पॉइंट टू पॉइंट हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं अभी, एड बीम एंड पॉइंट टू पॉइंट। एड बीम का मतलब है अब मुझे कोई बीम ऐड करना है, तो ये एड बीम का बटन है, इस पर मैंने क्लिक किया हुआ तो जॉइंट टू जॉइंट क्लिक करने से हमारे बीम बन जाएंगे। ठीक है, स्कैप से मैं नॉर्मल कर्सर पे आता हूँ। सो पॉइंट टू पॉइंट होता है मेजर करने के लिए, तो देखिए ये जो ऑप्शन है आपका मेजर करने के लिए, इस पर क्लिक किया हमने, दो जॉइंट्स पे क्लिक करेंगे तो मेजर कर देगा डिस्टेंस। ये जॉइंट टू जॉइंट ही हम स्टेट प्रो में डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, और इसके बगल वाला जो आइकन है इस पर क्लिक करोगे तो मेजरमेंट हट जाएगी। दोबारा इस पर क्लिक किया और मेजरमेंट ले लेते हैं। ठीक है, इसके बगल वाले में क्लिक किया तो ये मेजरमेंट हट गई, तो पॉइंट टू पॉइंट ये था। इसके बाद आता है बिटवीन मिड पॉइंट, ये वो ये इंसर्ट करना नोट को मिड पॉइंट पे, राइट किस पे क्लिक किया, इंसर्ट मिड पॉइंट, ओके ये मिड पॉइंट पे लग गया। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन देख लेते हैं। इसको स्ट्रक्चर को डिलीट करते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैंने ग्रिड ऑन की और एक मैंने फ्रंट व्यू पे जाकर एक स्ट्रक्चर बनाया इस टाइप का। ट्रायंगल टाइप का, ठीक है। अब यहां पे हमें कोई पॉइंट है इंसर्ट नोट कर लेते हैं, मान लीजिए 1 मीटर पे है, 2 मीटर पे है, ठीक है, ये 2 मीटर पे नहीं सेंटर में जाकर सही से दिखे आपको, कहीं भी ले सकते हैं इसको। ये जॉइंट है, अब आपको क्या करना है, इस जॉइंट से बीम ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आपको एक बीम ड्रॉ करना है यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ये कितनी डिस्टेंस है, फिर आप यहाँ पे एक नोड इंसर्ट करोगे, फिर एड बीम से आप यहाँ पे बीम लगा दोगे। अब ये डिस्टेंस करने के लिए कैलकुलेशन चाहिए, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, है ना, तो इसलिए उन्होंने एक टूल दिया हुआ है परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन, जिसके लिए हमें ये डिस्टेंस मेजर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये जो एड बीम बटन है इस पर थोड़े क्लिक करके होल्ड रखोगे, होल्ड रखने के बाद एक और भी ऑप्शन आ रहे हैं जो बाद में डिस्कस करेंगे, लास्ट में टी टाइप का, इस पर क्लिक करा छोड़ा तो ये टी आ गया। अब इस टी पे क्लिक करोगे आप, अब मैं इस जॉइंट पे क्लिक करने के बाद कहीं पर भी नीचे वाले बीम पे क्लिक करूंगा पर बीम ड्रॉ होगा आपका परपेंडिकुलर ही, ये देखो इसी तरह यहां से मैं कहीं भी क्लिक करूंगा परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। तो ये था बीम इंटरसेक्शन, परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कर्व बीम है, मॉडरेटिंग टूल है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, और थैंक यू उन सभी को जो कमेंट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं जिससे मोटिवेट होता हूँ। मेरे पास टाइम की कमी है, वरना मैं बहुत वीडियो अपलोड करूँगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट और बड़ी बड़ी वीडियो अपलोड करूंगा।
तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।